बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है बैंगन की रेसिपी, यानी बैंगन का भरते की रेसिपी। सॉरी, बैंगन का भरता बना रहे हैं आज हम। हमने 1 किलो बैसन बैंगन लिए। बैंगन को हमने इस तरीके से चूल्हे के ऊपर रख दिया, ठीक है। ये देखें, ये बैंगन बिल्कुल जल रहे हैं। फिर हमने इनका क्या करना है, इसको फिर हमने एक खाली बर्तन में निकाल के उसमें पानी ऐड करके ऐसे रख देना है। ये देखें, ये हमने इनको पानी में डाल के रख दिया है, ठीक है। तो जब तक ये बैंगन पकते हैं तब तक मैं आपको बता दूं, इसके साथ हमने लेने हैं ये प्याज। ये देखें, ये हरे प्याज है। ये स्पेशल बैंगन में ही के भरते में ही डलते हैं। इस तरीके के आपने प्याज लेने हैं। इस तरीके के प्याज लेके इनको हमने अच्छे तरीके से धो के रख दिया है। अब हम इनको काटेंगे। चले जी, ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज कट के बिल्कुल रेडी है। ये प्याज कट चुकी है, हमने इनको बिल्कुल काट दिया है। ये देख लें, इसके बाद हमारे ये देख लें, ये आपको मैं दिखा दूँ, इस तरीके से बिल्कुल ये पक गए हैं बैंगन। और इसको हमने निकाल लेना, हमने इसको इसमें डाल देना है पानी में। इसी तरीके से हमने और भी चूल्हे से निकालना है। ये देखें, ये हमने निकाल दिया, ये और ये हमने पानी में डाल दिया। जो जो पकता जाए उसको निकाल के आप पानी में डालते जाएं। इसके बाद जो स्टेप है वो हमने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इसका छिलका उतारना है, हाथ की मदद से छिलका उतारना है। ये देखें जी, ये मैं आपको उतार के छिलका दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं। इस तरीके से हमने ये छिलका उतारना है, सही है। और इसको छिलका उतारने के बाद ये देखें, मैंने इसका अच्छे से छिलका उतार दिया। ये हमारा है देसी स्टाइल है। इस स्टाइल में पहले खाने बहुत बनते थे, लेकिन अब तो पता नहीं कौन कौन से तरीके आ गए। ये देखें इनका, इसको इस तरीके से खोल के टोटली जितने भी बैंगन हैं उन्हें चेक करना है। इनको देखना है कि कहीं कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है, बैंगन ख़राब तो नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। इसको हमने फिर साइड पर पानी में रख देना है। पानी में रख के इसको, ये जो पकाया है इसका छिलका है जो भी है, इसको दोबारा से हमने साफ़ करना है हाथ की मदद से, ठीक है। इसको साफ़ करके हमने, मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से साफ़ करना है। तो ये देखें जी, ये हम साफ़ ही कर रहे हैं। और इसको साफ़ करके अलग से एक प्लेट में हमने निकाल के रख देना है। प्लेट देना है एक उधर से, ये देखिए जी, ये हमने इसका निकाल के रख दिया एक साइड पे। इस तरीके से ही हमने सारे बैंगन साफ करके एक साइड पे प्लेट में निकाल के रख देने हैं। हाँ जी, ये देखें जी, ये बिल्कुल हमारा बैंगन के जो हमने निकाले थे छिलका अलग कर लिया और इसको एक अलग प्लेट में निकाल लिया है हमने भी। और ये बिल्कुल तैयार है अभी पकने के लिए। अब हम इसे बनाएंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब हम इसमें, हमने इसमें 2.5 ऑयल डाला है, ये चम्मच भर के। अब ये ऑयल बिल्कुल देख रहे हैं गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें क्या डालना है, ऐड करना है कटी हुई प्याज। हमने इसमें प्याज ऐड की, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें प्याज ऐड कर दी है, देख रहे हैं। हाँ जी, अभी हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। ये हमने नमक डाला, आप अपना हद से ज़रूरत, लाइक जैसे भी हो
वैसे ही नमक ऐड कर सकते हैं। हमने इन्हें ब्राउन नहीं करना, ठीक है, हमने सिर्फ इनको इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें लहसुन डालना है, ये लहसुन है, हरा लहसुन डालना है इसमें हमने। हरा लहसुन डाल के हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। प्याज सिर्फ गल जाए, ब्राउन नहीं करने बिल्कुल भी, सिर्फ गलने तक को। ये देखें जी, इसके बाद हमने हल्दी ऐड करनी है इसमें। प्याज देख रहे हैं आप गल चुके हैं, इसके बाद हमने हल्दी ऐड करनी है, 1/2 टीस्पून, आधा चम्मच हल्दी ऐड करने के बाद हमने इसका कलर देखें कैसा आ रहा है। चलिए इसके बाद हमने लाल मिर्च ऐड करनी है। मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है, आप अपने तीखा या हल्का नॉर्मल जैसे भी खाते हैं टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरे पास हर मिर्च का अपना टेस्ट होता है, अपना कलर होता है, तो इस वजह से मैंने कम ऐड किया, क्योंकि ये बहुत तेज़ मिर्च है मेरे पास। और इसके बाद हमने ऐड करने हैं इसमें 2 टमाटर, ये हमने टमाटर काट के रखे हुए थे, ये हमने ऐड कर दिए इसमें। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे कि मसाला लग ना जाए, तो इसको भी मिलाएंगे ताकि टमाटर इस पानी में गल जाए। टमाटर गल चुके हैं, अब हमने इसमें ऐड करनी है दही। 1 कप हमने इसमें दही का ऐड करना है, जब तक ब्राउन ना हो जाए। अच्छा जी, अब हमने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसमें दही ऐड की थी। अब हम इसका ढक्कन उतारेंगे। ये हमने इसका ढक्कन उतार दिया, अब देखते हैं इसके अंदर। ये देखें जी, ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है और दही जो है वो बिल्कुल भी, और दही बिल्कुल मिक्स हो गई है इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे बैंगन, जो हमने भरता बना के रखा था वो ऐड करेंगे अब हम इसमें। ये हमने ऐड कर दिया है इसमें, ये जी हमने इसमें बैंगन ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। अब करने के बाद हमने इसमें क्या करना है, साबुत हरी मिर्च ऐड कर देनी है, और हमने इसको 10 मिनट या 5 मिनट हमने इसको फिर हल्की आंच पे चूल्हे पे रख के छोड़ देना है। ये देखें जी, हमने इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखें, ये ऑयल बाहर निकल रहा है, जैसे जैसे ये ऑयल निकलेगा हम इसको तब तक भूनेंगे, अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे। जैसे ही ऑयल निकल आएगा आपका बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी हो जाएगा, सही है। तब तक हम इसको ये भून लेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे और थोड़ा सा ना इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको हल्की आंच पे पकने देंगे, ताकि इसका सही से ऑयल निकल आए और ये इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। अब हम इसमें हरी मिर्च जो है बारीक कटी हुई वो भी ऐड कर देंगे, कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे, साबुत भी ऐड की है हमने और कटी हुई भी ऐड कर दी है।
अब हम इसको क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे भुनाई हमने कर ली इसकी अच्छे तरीके से। भुनाई करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे। ये देखें जी, अब हम इसको ढक्कन देने लगे हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए। देखें कलर, क्या कलर आ रहा है मज़े का। तो अब हम इसको छोड़ने लगे हैं 5 मिनट के लिए। जी जनाब, बिल्कुल 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उतारते हैं, देखते हैं। ये देखें जी, हमारा बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी है। ये देखें ऑयल बिल्कुल बाहर निकल आया है। और एक साइड पे अब हम इसको चम्मच से हिलाएंगे, थोड़ी सी फ्लेम ज़्यादा करेंगे इसकी। फिर से थोड़ी सी भुनाई हम करेंगे। भुनाई करने के बाद हमने इसको ऊपर हरा धनिया डालना है। हमने इसमें कोई गरम मसाला ऐड नहीं किया और ना इसमें हमने सूखा धनिया ऐड किया है। बहुत ही मुनासिब सी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं, लाल मिर्च, नमक और हल्दी। इन तीन चीज़ों में, मसालों में ये बना है बैंगन का भरता। और इसमें हमने ऐड किया है दही और 2 टमाटर, सही है जी जनाब। अब हमारा बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसमें क्या करना है, हरा धनिया डालना है। ये हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया। उम्मीद करती हूँ आप सबको हमारी मेरी वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं आपके लिए मुनासिब मिसालों में और सस्ता खाना तैयार करने की रेसिपी ज़रूर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक लेकर आऊँगी। तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।